युगों युगों से चल रहा है मेघ, ग्रह नक्षत्रों का सब है खेल। ब्रह्मांड में ग्रह रोज बदलते हैं अपनी चाल। आइए जानते हैं आज कौन सी राशि होगी माला माल। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं स्वामी राजर्षि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। 10 वर्ष की आयु से ही मैं अपने पूजनीय पिता श्री गुरु रजनीश ऋषि जी के निर्देशन में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एवं धन ग्रंथों का अध्ययन कर रहा हूँ। तो क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा रहेगा आज आपका दिन, क्या करें क्या ना करें, किन चीजों से सावधान रहना है, यह सब जानने के लिए आखिर तक देखते रहिए आज का राशि। आज 17 जनवरी 2020 दिन शुक्रवार, माघ मास का कृष्ण पक्ष चल रहा है और आज सप्तमी तिथि सुबह 7:28 तक रहेगी और उसके पश्चात अष्टमी तिथि लग जाएगी। आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:10 से लेकर 12:52 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। आज राहु काल दोपहर 11:12 से लेकर 12:31 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य को करने से आप सभी लोग परहेज। जिन भी भक्तगणों ने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरा अनुरोध है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो उन तक सबसे पहले पहुंच सके। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, उसको शेयर करें, कमेंट करें। आइए अब जानते हैं कि मीन यानी कि पाइसेस राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। छात्रों को आज पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। डिस्ट्रैक्शंस के कारण आज आप पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाएंगे। ये डिस्ट्रैक्शंस आपके मित्र गणों की ओर से हो सकते हैं। आज आपको अपनी माता जी के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना है। बिजनेस में आज आपको कोई भारी नुकसान भी हो सकता है, इसलिए सावधान रहें। इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पूर्व मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपका या आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आ पा रहे हैं, या नौकरी मिलने में समस्या हो रही है, या नौकरी तो मिल गई है पर प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, इनकम से ज्यादा खर्चा हो जाता है, ट्रांसफर हो रहे हैं, शादी नहीं हो पा रही है, या आपका अपना घर नहीं बन पा रहा है, आपका जो व्यापार है उसमें वृद्धि नहीं आ पा रही है, आपके पास धन की कमी बनी रहती है, या आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, आप हर समय बीमार रहते हैं, या आपके बच्चे बीमार रहते हैं, या अन्य ऐसी किसी भी समस्या से आप पीड़ित हैं, तो आप स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर, हमारी वेबसाइट पर जाकर या ईमेल के माध्यम से या व्हाट्सएप वीडियो कॉल के द्वारा गुरु रजनीश ऋषि जी से या गुरु मां रुक्मणी जी से या आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एक छोटी सी फीस जरूर देनी होगी, जिसका प्रयोग शनिपीठ मंदिर की व्यवस्था चलाने के लिए, हमारे द्वारा गरीब लड़कियों के लिए फ्री कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाने के लिए, कर्म के काम जैसे कि यज्ञों महायज्ञों के आयोजन के लिए, प्रसाद एवं लंगर के वितरण के लिए किया जाता है। आपके द्वारा दी गई इसी फीस में से हम अगले दिन प्रमुख रूप से आपके नाम से आपके लिए पूजा अवश्य करते हैं। यदि आप आज तीर्थ यात्रा का जाने का विचार कर रहे हैं तो ये विचार आपके लिए अत्यंत शुभ है। शरीर पर सोना धारण करना भी आपको आज मालामाल कर सकता है। भाग्य आज आपका भरपूर साथ देगा और अटके हुए काम भी बन जाएंगे। काले कुत्ते को भोजन कराना आज आपके लिए अत्यंत शुभ होगा, इससे आपको केतु देवता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। मीन राशि वालों, अगर आपका भाग्य आपका साथ नहीं देता है और आप अपने आप को अनलकी महसूस करते हैं तो अपने भाग्य को बल प्रदान करने के लिए आपको एक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित मूंगे की अंगूठी अवश्य ही धारण करनी चाहिए। यदि आप स्वयं गुरु रजनीश ऋषि द्वारा अभिमंत्रित अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं। किसी भी रत्नों की अंगूठी को खरीदने से पूर्व आपको अपनी कुंडली का अध्ययन किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वो चमत्कारी उपाय जिसे करने से आप बजरंग बली हनुमान जी की कृपा का पात्र बन सकते हैं और वे स्वयं आकर हर विपत्ति में
आपकी और आपके परिवार की रक्षा करेंगे। आज आप प्रातःकाल उठकर पवित्र होकर पीपल के पत्ते तोड़ लें और उन पर कुमकुम या चंदन से हे राम लिखें। उसके पश्चात आप उन पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को अर्पित कर दें और उनसे आपकी रक्षा करने की प्रार्थना करें। आज इस उपाय को श्रद्धा पूर्वक करने से हनुमान जी आपसे प्रसन्न होंगे और हर मुसीबत में आपकी रक्षा करेंगे। फल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूँ। नाम वरुण घोष है। हम कलकत्ता से दिल्ली में आया था। बहुत दिन कुछ इधर उधर बहुत पंडित जी के पास गया था, कुछ काम नहीं हुआ। फिर अचानक इधर एक राजेंद्र प्लेस में गुरु जी का बैनर देख के हम इधर आया था। फिर हम नाक पहना है, पहनने के बाद हमको पहले से बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। और लोगों को भी हम बोलना चाहता है जे आप लोगों का कुछ प्रॉब्लम गुरु जी के पास आइए, गुरु जी आप लोगों का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे। हमारे वेदों, पुराणों, धर्म ग्रंथों और ज्योतिष शास्त्रों पर आधारित उपायों को और अधिक जानने के लिए हमारे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को यहाँ पर क्लिक करके आप देखते रहें।